तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं। हमने रूम वगैरह ले लिया, ये वाला रूम है जो हमने लिया भाई। अंदर चेक मारो, ये भाई अपने सारे हेलमेट वगैरह बैग वगैरह रखे और यहाँ पे ठंड हो रही है सामने, देखो जहर तो भाई। तो ये भाई कुछ नीचे का व्यू है, ठीक है। अभी हमने ये देखो हमारी जैकेट वगैरह की क्या हाल है। सो हमने रूम वगैरह तो ले लिया, अभी जस्ट हम निकले हैं, अफ्तारी वगैरह करते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं। ये देखिए चेक करो मारो, पूरे बैग वगैरह हमने दिखा दिए भाई पूरे। तो क्या करो सब पहले चलो यार, पहले जैकेट पे चलते हैं। तो इस भाई ने हमारे ये रूम इन्हें दिया भाई, तो कोई नहीं। तो अभी हम सीधा चलते हैं ऊपर, अफ्तारी वगैरह करते हैं एंड देन उसके बाद भाई लोग नमाज वगैरह पढ़ के फिर मिलते हैं भाई आपसे। तो भाई लोग अभी ना रूम शहर से निकले, सो अभी जा रहे हैं ऊपर दरगाह पे, अफ्तारी वगैरह भी करेंगे एंड उसके बाद और भी देखेंगे क्या क्या होने वाला है। सो आगे जा रहा है भाई साहिल, पीछे अपने भाई लोग आ रहे हैं सारे। अभी हम दिखते हैं भाई कुछ इस तरह की लोकेशन है भाई, आपको चेक मारो साहिल, ये निकला साहिल भाई। तो दरगाह काफ़ी खुद, अफ्तारी का टाइम कितना है तो अभी अपना भाई भी आ चुका है साथ में। सो पहले चलते हैं ऊपर, अफ्तारी वगैरह करते हैं एंड दिखाते हैं भाई आप लोगों को। तो भाई लोग अभी ज़ारत पे जा रहे हैं, ज़ारत के लिए रही ऊपर, अपने भाई लोग आ रहे हैं सारे, ठीक है। ये सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने वाले, ये देखो भाई कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। तो अपने भाई भी पीछे आ चुके हैं सारे। तो अफ्तारी के टाइम को ना 10 मिनट रह चुके हैं। सो हमने रूम लिया भाई उस सामने, वो उस साइड में। तो ये चेक करो भाई, क्या ज़बरदस्त जगह बनाई हुई है भाई बैठने वगैरह के लिए, और ज़ारत भी ऊपर। मेरे हिसाब से ज़ारत पे रिकॉर्ड वगैरह नहीं करने देंगे आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे ना वीडियो वगैरह नहीं बना देते हैं। सो अगर बन पाई तो बनाएंगे भाई, अगर नहीं बनी तो वो कोई नहीं भाई, देखेंगे। सो पहले जाके शोई भी भाई थक चुके हैं बहुत ज़्यादा और भूख से चला नहीं जा रहा अच्छे से। चलो चलो जल्दी करो, रेस भूख लगी भाई, रीज को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। दरगाह पे पहुंच चुके हैं, अभी दुआ वगैरह हो रही है, सो हम भी चलते हैं दुआ में शामिल हो जाते हैं एंड अपने 15K के लिए दुआ करेंगे भाई हम भी। खूबसूरत आवाज है ये, भाई ये जितने भी बंदे हैं ना भाई यहाँ पे अफ्तारी हुई थी। सो अभी नमाज के लिए जा रहे हैं भाई रईस, भाई अफ्तारी वगैरह हो चुकी है एंड अभी ना नमाज वगैरह का टाइम हो रहा है, तो नमाज पढ़ते हैं एंड देन निकलते हैं भाई। एंड भाई लोग अभी ना अपने रूम में आ चुके हैं, सो बहुत बढ़िया रूम मिला भाई हमें। सो अपना एक भाई मिल गया था ना, बहुत अच्छा था, सो जिसने हमें रूम वगैरह दिया। एंड अभी ना टाइम 8:30 का टाइम हो रहा है भाई, खाना वाना खा के हम दरगाह पे आए, अफ्तारी वगैरह भी की बहुत अच्छे से। सो अभी हम आ चुके हैं रूम में एंड सुबह सहरी के टाइम उठेंगे, फिर ऊपर चल के ना सहरी वगैरह करेंगे। एंड आपको एक बार मैं नीचे का व्यू दिखा देता हूँ भाई। तो भाई ये रहा कुछ व्यू एंड सामने आपको दरगाह देखने को मिल रही होगी। सो अपने भाई लोग, ये देखो भाई रूम वगैरह में क्या हाल करके रखा हुआ है भाई, भाई ये देखो भाई शोएब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई। तो ये देखो भाई जगह, तो भाई स्ट्रिंग वगैरह लेके आए सारा कुछ। और अभी ना भाई यहाँ जिसका ये होटल है ना भाई, बहुत अच्छा बंदा है, सो हमें रूम वगैरह भी दे दिया सस्ते में एंड अभी ना हमने उसके लिए कुछ ऑर्डर वगैरह किया, वो भी आ जाएगा खाने के लिए। तो अभी मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग में, तो उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला भाई। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अभी ना 4 बजे हैं, सो अभी हम दरगाह पे आए हैं
देख सकते हैं पीछे अपने साथ अपने भाई लोग भी आ चुके हैं। सो अभी हम सैरी करने के लिए आए हुए हैं बिकॉज नीचे कोई भी होटल वगैरह खुला नहीं है। सो सैरी का इंतज़ाम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से है। अभी हम जाएंगे भाई अंदर सैरी वगैरह करेंगे। भाई बहुत सांस फूल रखी है और बारिश ठंड वो दोनों बराबर है भाई। ये रही पीछे दरगाह जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। सो अभी हम लंगर में जाएंगे और सैरी वगैरह करेंगे। लाइट लग रही है यार तो आपको दिखाते हैं भाई क्या सीन होने वाला है। चलते हैं भाई अंदर। तो भाई लोग हाँ ये पीछे ना लंगर है। सो अभी हमने सैरी वगैरह कर ली है तो बारिश ना बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई। ये देखो भाई बारिश ना शुरू हो चुकी है और सामने रही दरगाह। भाई क्या बात है। तो अभी हम तो अपने सारे दोस्तों को आ चुके हैं। सो अभी ना रूम में चलते हैं। सो उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाएंगे बिकॉज पूरी रात नहीं सोए भाई। शोएब ने पूरी रात को जगा के रखा है भाई सबको। तो अभी ना सोते हैं चल के नमाज़। घर कैसे जाएंगे आज? आज घर जाना बहुत मुश्किल हो रखा है भाई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो देखते हैं भाई लड़सी इसने पूरी रात नहीं सोने दिया भाई किसी को भी। अभी हमें इतनी ज़्यादा नींद ये चक्कर हो भाई। सैरी वगैरह हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। तो अभी हम तो और ये सीन है कि भाई अभी हम जाएंगे रूम में। क्या हुआ? मैं रात सोया ही नहीं। पूरी रात में जगा के रखा था सोया कहा था। तो फाइनली भाई लोग हमने सैरी वगैरह खा ली और दरगाह पे दुआ वगैरह कर लिया भाई। सो अपने बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई इधर। यहाँ पे लाइट लग रही है थोड़ा सा इशू आ रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ। और अभी हम जा रहे हैं भाई अपने रूम में बिकॉज हाँ रूम में हम सुबह निकलेंगे भाई। पूरी रात ना भाई शोएब ने सोने नहीं दिया किसी को। तो अभी हम मतलब कि यहाँ से सैरी वगैरह भी होगी अभी नमाज़ पढ़ के वगैरह फिर हम सो जाएंगे। सुबह किस टाइम उठेंगे कोई भी आइडिया नहीं है बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और घर जाने में बहुत दिक्कत होगी। तो अभी हम सोच रहे थे कि भाई अभी सो जाते हैं। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। मैंने सोचा था कि भाई 3-4 पढ़ दें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई कुछ भी रहे। अभी थोड़ा सा अंधेरा होगा चलो एडजस्ट कर लेना। सो अभी हम चल के सीधा सोते हैं भाई क्योंकि रात पूरी रात ना भाई शोएब ने सोने नहीं दिया। सो मिलते हैं भाई अब नेक्स्ट मॉर्निंग में।